दोस्तों नमस्कार, आप सभी का मैं एक बार फिर से अपने YouTube चैनल राज एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सभी का स्टडी एट होम पे हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं जो उत्तराखंड वाहन चालक भर्ती है 2022 में, जिसका 12 जून को जो दोस्तों एग्जाम पेपर है, 12 जून को इसका पेपर होने वाला है, इसकी डेट आ गई है। अगर आपने इस भर्ती में फॉर्म भरा है तो आज का ये वीडियो काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपका जो सिलेबस है उसमें 1988 का जो मोटर व्हीकल एक्ट है उससे प्रश्न आएंगे, 1989 के जो रूल है वहाँ से प्रश्न आएंगे, साथ ही 2019 का जो अमेंडमेंट हुआ है वहाँ से प्रश्न आएंगे, और साथ ही जो मोटर ड्राइविंग रूल 2017 है वहाँ से भी आपको प्रश्न है वहाँ देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों बात एक चीज़ ये आती है कि इतने सारे एक्ट हैं तो इनको पढ़ें कैसे, कहाँ से पढ़ें, हम तैयारी में इस प्रकार की कौन सी चीज़ें पढ़ें कि हम कम समय में यानी कि पूरा कोर्स कर लें। अगर हमने इन एक्ट को खोल के पढ़ना शुरू कर दिया तो दोस्तों ये लाजमी है कि आप एग्ज़ाम तक इनको केवल पढ़ ही नहीं पाओगे, याद करना तो दूर की बात है। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, जल्दी ही मैं आपको एक मैराथन क्लास 1988 का जो मोटर व्हीकल एक्ट है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, उसके शॉर्ट नोट्स मैंने PDF है वो बनाई है, और वो PDF आपको हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है स्टडी एट होम इसके ऊपर आपको मिल जाएगी। जिन्होंने कोर्स ले रखा है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, और जिन्होंने कोर्स नहीं ले रखा है उनके लिए वो PDF है वो परचेज़ करनी पड़ेगी अलग से, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप उत्तराखंड वाहन चालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये ऐप डाउनलोड कर लेना चाहिए। ये हमारा ऐप है स्टडी एट होम, तो ये आपको प्ले स्टोर से या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पर आपको इसका कंप्लीट कोर्स मिलता है, यानी आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको यहाँ पर क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो सारी जानकारी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आज जो ये क्लास है सबसे पहले हम इस क्लास के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में मोटर वाहन अधिनियम 1988 है इसका परिचय पढ़ेंगे कि 1988 का जो एक्ट है वो है क्या। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए, ये प्रश्न आ सकता है कि जो 1988 का एक्ट है वो किस से संबंधित है। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है मोटर वाहन अधिनियम 1988, ये चार शब्द हैं, इनको टुकड़ों में बांटें तो हमें ये पता चलता है कि जो वाहन क्या जो वाहन मोटर से चलता है उसे हम क्या है उसका वर्णन इस अधिनियम में किया गया है। दोबारा से बता दूं, जो वाहन मोटर से चलता है उसके बारे में नियम है बनाए गए हैं, अधिनियम बनाया गया है, वही अधिनियम 1988 का अधिनियम है वो कहलाता है। तो सीधी सी बात है, इसमें बैलगाड़ी नहीं आएगी, भैंसा गाड़ी इसमें नहीं आएगी, ऊंट गाड़ी इसमें नहीं आएगी, साइकिल इसमें नहीं आएगी। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान है वो रखना है। हालांकि दोस्तों साइकिल, जैसे मैंने बात की साइकिल, मैंने बात की बैलगाड़ी, इनके बारे में क्या वर्णन किया गया है इसमें, इनके बारे में ये बताया गया है कि भी ये व्यक्ति भी सड़क पर चल सकते हैं, तो आपको इनसे सावधानी रखनी है। लेकिन जो एक्ट बनाया गया है वो इस वाहन के लिए बनाया गया है जो कि मोटर से चलता है, तो आपको इसमें वही चीज़ें देखने को मिलेगी जो कि मतलब कि एक वाहन के लिए उपयोगी होती है, चाहे वो चाहे आपके लाइसेंस के लिए हो, वो चाहे RC के लिए हो, वो चाहे परमिट के लिए हो, वो चाहे फिटनेस के लिए हो, वो चाहे इंश्योरेंस के लिए हो, यानी कि किसी न किसी प्रकार से मैं बात करता हूँ इन सभी दस्तावेजों के संबंध में बात करते हैं, वाहन के पंजीकरण के बारे में बात करते हैं, रोड के ऊपर या साइड में जो कि नियम संकेत बने होते हैं उनकी बात करते हैं, रोड की मार्किंग की बात करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है इसमें किसका वर्णन किया गया है दोस्तों, इन्हीं आसपास की चीज़ों का जो कि एक वाहन और वाहन चालक से संबंध रखती है। तो हम पढ़ते हैं आज इसके बारे में, यातायात सुविधाओं को सुगम यानी कि सही ढंग से और नियंत्रित रखने हेतु वाहनों एवं चालकों के लिए, चालक एंड ड्राइवर के लिए समय समय पर नियम बनाए जाते रहे हैं जो कि मोटर वाहन अधिनियम के नाम से जाने जाते हैं। इस अधिनियम में चालक कंडक्टर के लाइसेंस, मोटर वाहनों के पंजीकरण, परमिट के माध्यम से मोटर वाहनों पर नियंत्रण, राज्य परिवहन उपक्रमों से संबंधित विशेष प्रावधान, यातायात विनियमन, बीमा देयता, अपराध और दंड आदि के बारे में विधायी प्रावधान दिए गए हैं। भारत में वर्तमान में मोटर वाहन अधिनियम 1988 लागू है जिसका विवरण निम्न अनुसार है। कुछ लोग यहां पर यह कह देते हैं कि वर्तमान में 2019 का अधिनियम लागू है, दोस्तों ये अधिनियम 2019 का नहीं है, 2019 में केवल अमेंडमेंट हुआ है यानी कि संशोधन हुआ है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर अधिनियम पूछ ले कि वर्तमान में कौन सा अधिनियम लागू है तो आपको बताना है 1988 का, लेकिन इसमें नवीनतम संशोधन कब हुआ तो आप बताएंगे 2019। तो ये सारी बातों पर हम आज डिस्कशन करेंगे। मोटर वाहन अधिनियम का इतिहास, शुरुआत में भारत में ब्रिटिश राज के समय मोटर वाहन अधिनियम 1914 लाया गया था,
1939 में मोटर वाहन अधिनियम 1939 पारित हुआ, जिससे 1914 का अधिनियम है वो समाप्त हो गया, क्योंकि इसके बाद में जो नया अधिनियम 1939 है वो प्रवर्तन में था। स्वतंत्रता के बाद भी लंबे समय तक मोटर वाहन अधिनियम 1939 लागू रहा। मोटर वाहन अधिनियम 1939 में जब सुधार की जरूरत महसूस हुई तो स्वतंत्रता के बाद पहली बार मोटर वाहन अधिनियम 1988 संसद में लाया गया। संसद में 14 अक्टूबर 1988 को पारित कर दिया गया, लेकिन इसे संपूर्ण भारत में 1 जुलाई 1989 को यानी कि लागू किया गया। तो आपको यहाँ पर तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो ये कि भी इसे पारित कब किया गया, तो संसद में पारित किया गया 14 अक्टूबर 1988 को। आपको पूछे लागू कब किया, तो आप बताएंगे 1 जुलाई 1989 को। और कहाँ पर लागू किया, संपूर्ण भारत में जम्मू कश्मीर राज्य के साथ, यानी कि जो पूरा भारत है वहाँ पर इसको एक साथ में लागू है वो कर दिया गया। इसके अलावा आगे हम बढ़ते हैं, मोटर वाहन अधिनियम 1988 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तत्वावधान में पारित है वो किया गया है, यानी इसका जो मंत्रालय है उसका नाम क्या है, मोर्थ हम अंग्रेजी में कहते हैं, MORTH, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, तो हिंदी में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, ये इसका मतलब कि एक विभाग का नाम है जो इसकी देखरेख करता है, इसमें अमेंडमेंट की जो सिफारिश है वो करता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें जो गजट में प्रकाशन करवाया जाता है वो भी इसी मंत्रालय के द्वारा है वो करवाया जाता है। आगे बात करते हैं, ध्यान रहे, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की स्थापना जुलाई 1942 में की गई थी। उस समय यह संचार विभाग से अलग होकर युद्ध के संचार विभाग के नाम से स्थापित किया गया था, जो कि बाद में नाम परिवर्तन कर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इसका नाम कर दिया गया। अब अधिनियम के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में अब हम यहां पर जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। अधिनियम के बारे में महत्वपूर्ण बातें, अधिनियम का नाम क्या है, आप नाम जैसा कि देख रहे हैं मोटर वाहन अधिनियम 1988 है। पारित कब हुआ था, 14 अक्टूबर 1988 को, यानी कि पारित करना किसे कहते हैं, संसद में यह पारित होता है और संसद के तीन सदन होते हैं, आपको पता है, पहला लोकसभा होता है, दूसरा राज्यसभा होता है और तीसरा राष्ट्रपति जब साइन कर देता है तो कोई अधिनियम है वो, मतलब कोई जो मतलब कि बिल है वो अधिनियम बन जाता है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो पारित तो 14 अक्टूबर को होता है, लागू 1 जुलाई 1989 को होता है। विस्तार क्षेत्र क्या है, पूरे भारत में ये लागू है। विभाग और मंत्रालय का नाम मैंने आपको बता दिया है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। आगे बात करते हैं, इसमें जो ये दोस्तों ये अध्याय है 1988 का जो MVA भी इसे बोला जा सकता है, यानी कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है, इसमें अध्याय कितने हैं या चैप्टर कितने हैं या मैं कहूँ पार्ट कितने हैं। जैसे कोई एक बुक होती है, क्या होती है, बुक होती है, तो उस बुक में 10 पार्ट या 11 पार्ट होते हैं, उसी प्रकार इसमें भी क्या है, पार्ट होते हैं। तो इसमें पार्ट कितने हैं, 14 पार्ट इसमें दिए गए हैं, जिनके बारे में विस्तार से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। कुल धाराओं की बात करें तो यहाँ पर कुल 217 धाराएं हैं। जैसे मैं बात करूँ, जो पहला भाग है, पहले भाग में 1 और 2 धाराएं हैं। दूसरा जो भाग है, यहाँ पर 3 से स्टार्ट होकर 38 तक धाराएं हैं। तीसरा मैं बात करूँ तो 39 से स्टार्ट है। तो इस प्रकार से क्या है, ये धाराएं पाठों में विभाजित की गई है। मैं बात करता हूँ अनुसूचियों की, जिसे हम शेड्यूल भी कह देते हैं। अनुसूची किसे कहते हैं, एक ऐसा नियम जिस पर विस्तार से अलग से रूल बनाने की या रूल एंड रेगुलेशन बनाने की आवश्यकता होती है, जिसे रोड साइन और संकेत होते हैं। तो इनके बारे में, यानी कि जो एक अनुसूची बना दी गई जिसमें कि आसानी से इसको विस्तार से समझाया जा सके, तो भारत का जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है इसमें 2 अनुसूचियों का वर्णन किया गया है। अब 2 कौन कौन सी है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। अब तक संशोधन इसमें कितनी बार हो चुका है, यानी कि ये आया तो 1988 में था लेकिन इसमें बदलाव हो चुका है, ये कब कब हुआ है, सबसे पहले 1994 में हुआ, बाद में 2000 में हुआ, बाद में 2001 में हुआ, 2015 में, 2019 में। मैं बात करता हूँ नवीनतम संशोधन की, तो मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 है वो नवीनतम संशोधन है, और इसे लागू कब किया गया है, 1 सितंबर 2019 से इसे लागू किया गया है। अब यहाँ पर बात करते हैं अन्य संबंधी जो महत्वपूर्ण जानकारी है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 से पहले क्या कोई अधिनियम बने थे, हाँ 2 अधिनियम पहले से बने हुए थे, एक था मोटर व्हीकल अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम 1914, दूसरा था मोटर वाहन अधिनियम 1939। मोटर व्हीकल एक्ट 1914 में संशोधन करके है वो 1939 वाला तैयार किया गया था। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत कुल कितनी अनुसूचियां बनाई गई थी, कुल 2 अनुसूचियां बनाई गई थी। अब ये कौन कौन सी थी, अनुसूची का मतलब क्या होता है, किसी भी प्रकार से अनुसूची बनाने का उद्देश्य होता है कि उस प्रावधान के बारे में और विस्तार से वर्णन किया गया हो, अर्थात अनुसूची में किसी विषय पर पूर्ण जानकारी होती है।
फर्स्ट शेड्यूल रोड साइन एंड रूल्स, यानी कि जो प्रथम अनुसूची है उसमें क्या उल्लेख किया गया है, रोड साइन और नियम। ये प्रश्न कई ड्राइवर एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो रोड के साइन और संकेत होते हैं इनका वर्णन कौन सी अनुसूची में किया गया है, तो आपको बताना है प्रथम अनुसूची में। नंबर दो जो शेड्यूल है, सेकेंड शेड्यूल कंपनजेशन अंडर सेक्शन 163A ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988, यानी कि द्वितीय अनुसूची है वो मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 163A के तहत प्रकरण पर क्षतिपूर्ति एवं अन्य क्लेम के मामले हैं उनके बारे में वर्णन है वो करता है। ठीक है, आगे बात करें, ध्यान रहे कि मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन 2019 के तहत अनुसूची दो को निरसित कर दिया गया है, यानी कि डिलीट कर दिया गया है। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि जो अनुसूची दो है उसको डिलीट कर दिया गया है, अब केवल एक अनुसूची रह गई है। आगे बात करते हैं, मोटर वाहन अधिनियम 1988 में कुल 14 अध्याय बनाए गए हैं जो कि निम्न अनुसार है। अध्याय कितने हैं, 14 है, जिसे हम पाठ भी कह सकते हैं, ठीक है, या इकाई या चैप्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारे के सारे नाम याद रखने हैं भी, चैप्टर कितने हैं, पाठ कितने हैं या अध्याय कितने हैं। सबसे पहला जो अध्याय है जिसे आप देखते हैं, इसमें है प्रीमिलियरी, यानी कि प्रारंभिक। प्रारंभिक में यहाँ पर 1 से 2A तक की धाराएं, इनका वर्णन यहाँ पर किया गया है। अब 2A क्या है, 2A में ऑटो रिक्शा का वर्णन किया गया है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा के बारे में बताया गया है कि भी 4000 किलोवाट तक के जो बैटरी से चलने वाले व्हीकल हैं उन दोस्तों व्हीकल को है धारा 2A में रखा गया है और इनके लिए दोस्तों हल्के मोटर वाहन चालक लाइसेंस को ही वैध माना गया है। हालांकि उस पर पीली प्लेट लगती है, यानी कि येलो नंबर प्लेट लगती है, फिर भी उसको LMV यानी कि लाइट मोटर व्हीकल के नाम से जाना जाता है और उसको लाइट लाइसेंस के माध्यम से भी चलाया जा सकता है, इसमें छूट दी गई है। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ जो अध्याय जो दो है, लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर्स ऑफ मोटर व्हीकल्स, यानी कि मोटर वाहनों के चालकों की लाइसेंसिंग, जो मोटर वाहन गाड़ी चलाएंगे तो उनकी जो लाइसेंस की आवश्यकता होगी उसके बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है धारा 3 से 28 के बीच में, और कौन से अध्याय में, जो अध्याय है आपके अध्याय दो में। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ नंबर तीन में, लाइसेंसिंग ऑफ कंडक्टर्स ऑफ स्टेज कैरिज। सबसे पहले लाइसेंस ऑफ कंडक्टर, यानी कि जो एक गाड़ी के लिए कंडक्टर लाइसेंस होता है उसका वर्णन अध्याय तीन में, यानी कि पार्ट तीन में किया गया है। अब हिंदी में बात करते हैं, स्टेज कैरिज के कंडक्टर लाइसेंस धारा 29 से 38 तक इसमें वर्णन किया गया है। अब ये बात करते हैं स्टेज कैरिज किसे कहते हैं। अभी वर्तमान में एक प्रश्न आया था कि जो लोक परिवहन बसें होती है, लोक परिवहन, ये बसें किस में आती है, ऑप्शन में था स्टेज कैरिज, तो आपको इसमें स्टेज कैरिज ही इसका जवाब है वो देना है, क्योंकि स्टेज कैरिज किसे कहते हैं। लोक परिवहन का मतलब क्या है, लोक परिवहन का मतलब है कि ऐसा परिवहन जिसमें लोगों को आसानी से इधर उधर सेवाएं वो देने का काम किया जाता है। तो लोक परिवहन का मतलब है कि आमजन की सुविधा के लिए, आमजन के परिवहन के लिए लोक परिवहन बसें चलाई गई है। और दोस्तों आप सभी को पता है जिसमें यात्री सवार होकर चलते हैं वो दोस्तों क्या होती है, स्टेज कैरिज, उसको इस अधिनियम में वो माना गया है। यानी कि स्टेज कैरिज किसे कहते हैं, मंजिली गाड़ी भी इसका नाम आप ले सकते हैं, मंजिली गाड़ी, यानी कि वैसी गाड़ियां जिनमें यात्री बैठकर सवारी करते हैं, लेकिन इसकी कंडीशन है उस गाड़ी में कम से कम 8 यात्री ड्राइवर के अलावा बैठे हो। मंजिली गाड़ी किसे कहते हैं, जिनमें 8 या 8 से अधिक है वो यात्रीगण बैठने की सुविधा प्राप्त हो, ऐसे वाहनों को मंजिली गाड़ी या स्टेज कैरिज कहते हैं। ये जो लोक परिवहन बसें होती है ये भी इसी में शामिल होती है। और ये जो व्हीकल कैटेगरी होती है, व्हीकल कैटेगरी L, M, N और O, ये 4 कैटेगरी होती है। तो ये जो स्टेज कैरिज है, लोक परिवहन बसें होती है, ये दोस्तों इस M कैटेगरी में आते हैं। M में क्या आता है, M में वो वाहन आते हैं जो यात्रियों को बैठा के या यात्री का सामान, केवल यात्री के सामान की बात कर रहा हूँ मैं, यात्री का स्वयं का जो पर्सनल सामान होता है उसकी, इन दोनों का परिवहन एम श्रेणी में होता है। एल श्रेणी है यानी कि प्राइवेट व्हीकल जो होते हैं, जैसे मोटरसाइकिल है, छोटी कारें होती है जो सफ़ेद नंबर प्लेट की, इनको एल श्रेणी में रखा गया है। एन श्रेणी में मालवान, माल का परिवहन किया जाता है। और जो ओ श्रेणी है, ओ श्रेणी में दोस्तों उन वाहनों को लिया जाता है जो कि बड़ी मशीनें होती है, JCB है, क्रेन है, जो मतलब कि खनिजों में इत्यादि में, मतलब कि जो भारी जो मशीनें होती है कंस्ट्रक्शन काम के लिए, उनको ओ श्रेणी में रखा गया है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना, ये प्रश्न भी कई बार अब आगे भी पूछा जा सकता है, स्टेज कैरिज है वो किस में आता है, एम श्रेणी में आता है। और दोस्तों ये एक प्रकार का क्या है, माल, सॉरी यात्री वाहन है, क्या है, यात्री वाहन है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, लोक परिवहन बसें इसी में आती है। मैं अध्याय 4 की बात करता हूँ, रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स, यानी कि मोटर वाहनों का पंजीकरण।
धारा 39 से 65 तक इसमें उल्लेख किया गया है, यानी वाहनों का पंजीकरण से संबंधी जो प्रावधान है वो इस पार्ट 4 में किया गया है। पार्ट 5 कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, परिवहन वाहनों का नियंत्रण, ये जो परिवहन वाहन होते हैं उनके लिए 66 से 96 तक की जो धाराएं हैं उनमें इसका उल्लेख है वो किया गया है। स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स, यानी कि राज्य परिवहन उपक्रम से संबंधित विशेष प्रावधान, यानी जैसे मैं बात करता हूँ राजस्थान रोडवेज है, हरियाणा रोडवेज है, उत्तराखंड रोडवेज है, हिमाचल प्रदेश जो रोडवेज, इस प्रकार से जो ये जो बसों का उपक्रम होता है उनको मतलब नियमित करने के लिए, राज्य परिवहन उपक्रम उसे कहते हैं, उनको नियमित करने के लिए इस अधिनियम में प्रावधान है वो किया गया है। तो इनकी धाराएं 97 से 108 तक है। नंबर 7 है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ मोटर व्हीकल्स, यानी कि मोटर वाहनों का निर्देश उपकरण और रख रखाव, धारा 109 से 111 के बीच में रखा गया है, यानी कि वाहनों का निर्माण किस प्रकार से किया जा सकता है या कौन सा उपकरण किस प्रकार से मतलब नियमित किया जाए ताकि किसी आम जन को या किसी मतलब कि मतलब किसी प्रकार से कोई समस्या न बने। यानी कि ऐसे तो कोई जो मतलब कि कमज़ोर पुर्जे गाड़ी में लगा देंगे, गाड़ी चलती हुई उसका पहिया निकल जाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार की सुविधा आपको गाड़ी में करनी है कि गाड़ी रोड पर चलने के योग्य हो और किसी आम जन को उससे खतरा न हो। नंबर 8 जो पार्ट है कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक, यानी कि यातायात का नियंत्रण और धाराएं, इसमें धाराएं 112 से 138 है। जैसे मैं बात करता हूं इसमें स्पीड लिमिट की बात धारा 112 में की गई है। मैं बात करता हूं धारा 116 की, तो यहां पर जो रोड साइन और संकेत होते हैं उन्हें लगाने के बारे में यहां पर बताया गया है। 117 में पार्किंग स्थल के बारे में बताया गया है। जो धारा 119 है इसमें एक ड्राइवर के जो कर्तव्य बताए गए हैं कि एक ड्राइवर रोड साइन और संकेतों का पालन है वो करेगा। इस प्रकार से क्या है यहाँ पर, यानी कि यातायात को नियमित करने के लिए यहाँ पर ये मतलब कि जो सेक्शन है वो बनाई गई है। जैसे मैं बात करता हूँ 134A, धारा 134A है, इसमें नेक व्यक्ति क्या उल्लेख किया गया है, यानी कि एक ऐसा इंसान जो भलाई करता है, जो किसी दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाता है या उसे बचाने का पूरा प्रयास करता है या उसे प्राथमिक उपचार है वो देता है या डॉक्टर को बुला के उसे अस्पताल में भर्ती करवाता है तो उसे नेक व्यक्ति कहते हैं। ये भी धारा पहली बार जोड़ी गई है, इसका भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से जो अध्याय 8 है ये इसमें कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक यानी कि यातायात पर नियंत्रण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। जो पार्ट 9 है मोटर व्हीकल टेम्परली लिविंग और विजिटिंग इंडिया, यानी कि भारत मोटर वाहन अस्थायी रूप से जा रहे हैं या आ रहे हैं भारत में, दूसरे देशों से जो वाहन आते हैं या यहां से दूसरे देशों में जाते हैं उनका उल्लेख धारा 139 में किया गया है। नंबर 10 है लियबिलिटी विदाउट फॉल्ट इन सर्टेन केसेस, कुछ जो केसेस होते हैं कुछ मामलों में दोष के बिना अयोग्यता के संबंध में जो वर्णन है वो किया गया है धारा 140 से 144 के बीच में, तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। आगे मैं बात करता हूँ जो आपका अध्याय 11 है इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल्स अगेंस्ट थर्ड पार्टी रिस्क, तृतीय पक्ष जोखिमों के विरुद्ध मोटर वाहनों के बीमा का उल्लेख है वो आपके अध्याय 11 में किया गया है। और धारा की बात करता हूँ 145 से 164 के बीच में किया गया है और आपको पता हो तो सेक्शन 146 है वो तृतीय पक्षकार बीमा को कंपलसरी करता है, यानी कि आपके पास में वाहन का बीमा होना चाहिए, सेक्शन 146 है वो ये बात कहता है। तो इस प्रकार से जो 11वां पार्ट है वो बीमा से संबंधित है और इसमें 145 से 164 तक धाराएं दी गई है। अध्याय में 12 की बात करता हूँ क्लेम ट्रिब्यूनल यानी कि दावा न्याय अधिकरण, यानी आपकी कोई दुर्घटना हो गई है, आपका वाहन चोरी हो गया है, आपका वाहन टूट गया फूट गया है, दुर्घटना में मतलब कि उसमें क्षति पहुंची है या किसी तीसरे व्यक्ति को क्षति पहुंची है और आप अपनी कंपनी से जो दावा करते हैं वो कंपनी दावा नहीं दे रही है, तो इसके लिए एक न्याय अधिकरण बनाया गया है जो आपकी बात सुनेगा, आपके मुकदमे पर सुनवाई करेगा और जो वास्तविकता होगी वो आपको न्याय दिलवाने की कोशिश है वो करेगा। तो इस प्रकार के जो क्लेम्स ट्रिब्यूनल है यानी कि दावा न्याय अधिकरण जहाँ पर हम अपील कर सकते हैं उनका उल्लेख धारा 165 से 176 के बीच में किया गया है। अब मैं बात करता हूँ जो पार्ट है 13 ऑफेंस पेनल्टीज एंड प्रोसीड्यूर यानी कि अपराध दंड और प्रक्रिया, यानी कि इन सभी को नियमित करने के लिए अगर आपसे हम ये कहेंगे कि आपको मोटर वाहन का पंजीकरण करवाना है इसके बगैर गाड़ी नहीं चलानी है तो आप नहीं करोगे, लेकिन मैं ये कह दूं कि अगर आप आरसी नहीं बनाओगे गाड़ी की और गाड़ी चलाते पकड़े गए तो मैं 10,000 जुर्माना लगाऊंगा तो आप एक मिनट में आप कहोगे हाँ मैं बना लूंगा। तो यही है कि यहां पर लोगों पर नियंत्रण रखने के लिए ऑफेंस यानी जो अपराध करते हैं ये जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है इसकी कोई बात का अगर आप पालन नहीं करते हैं तो एक तरह का अपराध होता है
और उस अपराध के लिए आपको पेनल्टी चुकानी पड़ती है और इस पेनल्टी को अपराध दंड प्रक्रिया के रूप में धारा 177 से 210 के बीच में वो यहाँ पर मतलब कि इसमें वर्णन किया गया है। मिसेलिनियस यानी कि दुर्व्यवहार या दुराचरण पर रोक, यानी कि एक ड्राइवर है वो कोई गलत काम नहीं करेगा या उनका जो बुरा व्यवहार है उस पर नियंत्रण रखने के लिए यहाँ पर प्रावधान किया गया है। यहाँ पर एक छोटी सी बात और बता देता हूँ मैं आज की क्लास की, न्याय अधिकरण का प्रावधान यानी कि महत्वपूर्ण तथ्य, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अध्याय 12 में धारा 165 में मोटर दुर्घटना दावा न्याय अधिकरण का प्रावधान है जिसमें दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति न्याय नहीं मिलने पर दावा मुकदमा कर सकता है और अपना दावा करके न्याय प्राप्त है वो कर सकता है। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में जो मोटर व्हीकल 1988 है उसके बारे में मैंने कुछ खास चीज़ें मैंने कहा यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। दोस्तों मैं तो ये चाहता हूँ आप किसी भी टीचर से क्यों ना पढ़ें लेकिन जो टीचर है आपको इस यानी कि एक्सप्लेन करके बताए कोई चीज़ है, हालांकि मेरे पास में इस पीडीएफ में मेरे कंटेंट कम था लेकिन मैंने इन चीज़ों को मौखिकली बताकर आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है और मुझे पूरी आशा है कि ये आपको समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और किसी भी प्रकार का डाउट या कोई समस्या आती है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आपकी पूरी सहायता है वो की जाएगी। तो ये आज की क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। दोस्तों अगर आप उत्तराखंड ड्राइवर ऑनलाइन कोर्स प्राप्त करना चाहते हैं या आप उत्तराखंड ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारा उत्तराखंड ड्राइवर ऑनलाइन कोर्स है वो ज्वाइन कर लेना चाहिए। अब दोस्तों ये उत्तराखंड का कोर्स क्या है, इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, क्या आप इससे जुड़कर क्या अच्छी तैयारी कर सकते हैं, इसके बारे में विवरण के बारे में बताता हूँ। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा अभी न्यूनतम फीस पर भी उपलब्ध है। तो दोस्तों इस कोर्स में आपको क्या मिलेंगे, उत्तराखंड ड्राइवर की फुल सिलेबस बुक है उसकी पीडीएफ आपको इस ऐप के अंदर, जो ऐप का नाम बताया था मैंने स्टडी एट होम, ये सब इस स्टडी एट होम के ऊपर आपको मिलेंगे। मैं आपको बता देता हूँ पूरी जानकारी बताऊंगा मैं आपको, यानी कि उत्तराखंड ड्राइवर की जो फुल सिलेबस बुक है वो आपको इसमें पीडीएफ मिल जाएगी। ऑल इंडिया ड्राइवर एग्जाम रिव्यू बुक आपको यहाँ पर मिल जाएगी, यानी कि भारत में आज तक जितने ड्राइवर के एग्जाम हुए हैं उन सबके जो पर्सन है उनका कलेक्शन मैंने यहाँ पर किया है। व्हीकल मरम्मत और रखरखाव थ्योरी बुक है यहाँ पर आपको मिलेगी, यानी कि वाहन के संबंध में जो मेंटेनेंस के जो पर्सन आते हैं उनकी जानकारी यहाँ पर एक स्पेशल बुक के माध्यम से देंगे। व्हीकल मरम्मत रखरखाव और टेक्निकल ऑब्जेक्टिव भंडार व्याख्या सहित आपको यहाँ पर एक अलग से यानी ऑब्जेक्टिव पर्सनों की बुक मिलती है। भारत की पिछली सभी ड्राइवर भर्तियों के पर्सन पत्र हल सहित ओरिजिनल पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलते हैं, यानी कि जो पुराने पेपर है वो चाहे इसरो के हो, चाहे राजस्थान हाईकोर्ट के हो, एमपी हाईकोर्ट के हो, गुजरात के हो, चाहे इसरो के हो, चाहे एम्स के हो, ठीक है, या आईआईटी के हो, किसी भी डिपार्टमेंट में अगर कोई ड्राइवर की वैकेंसी आती है तो उसकी ओरिजिनल जो पीडीएफ है विद सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलती है और लगभग इसके अंदर आपको 30 के आसपास तो पीडीएफ अभी मिल जाएंगी और 5-7 पीडीएफ है हम जल्दी इसके अंदर अपलोड है वो करने वाले हैं। 100 ड्राइवर प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर ऑनलाइन इस ऐप के ऊपर आप देने के लिए आपको मिलेंगे। 100 टेस्ट आप इसमें दे सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इन टेस्टों में दोस्तों आपको बुक मार्क का भी ऑप्शन मिलता है, यानी कि जो प्रश्न आपको नहीं आता है उसको आपको बुक मार्क कर लेना है। बुक मार्क किए हुए प्रश्नों को आप दोबारा से अलग से केवल बुक मार्क वाले प्रश्नों को देख सकते हैं। यह आपको प्रोफाइल सेक्शन में माई बुक मार्क्स ऑप्शन मिलेगा, वहां जाकर आप इन्हें देख पाएंगे जिनसे कि आपकी तैयारी आसानी से मतलब कि आप इन प्रश्नों को सीख पाओगे, हाईलाइट कर पाओगे। यहां पर बात करता हूं मैं ड्राइविंग स्किल हस्तलिखित नोट्स, हमने हाथ से लिखे नोट्स भी बनाए हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलते हैं। ड्राइवर टेक्निकल पर भी दोस्तों हमने हाथ से लिखे नोट्स तैयार कर रखे हैं और मोटर व्हीकल एक्ट स्पेशल बुक हमने बना रखी है तो ये पीडीएफ भी आपको साथ में मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों ये जो सिलेबस है इसमें कंप्लीट सिलेबस रिकॉर्डेड लाइव सेशन के माध्यम से हम आपको है इसमें करवाने वाले हैं तो आपका एग्जाम का अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। और आप दोस्तों अगर हमारा कोर्स परचेज करते हैं तो अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, अभी नहीं लिया तो फिर समस्या हो सकती है, इतना मटेरियल एक साथ एक ही कोर्स में कॉम्बो में मिल रहा है फिर मत कहना कि रेट क्यों बढ़ा दी गई है, कंफर्म रेट है वो बढ़ने वाली है। कैसे खरीदना है, आपको स्टडी एट होम ये मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना है, उसमें रजिस्ट्रेशन करना है, ऐप खुलने पर आपको स्क्रीन पर ओवर कोर्स ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पे क्लिक करें, कोर्स का नाम देखें और इसका डिस्क्रिप्शन देखें, बाय नो का ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करना है, सबसे ऊपर कंप्लीट कॉम्बो कोर्स के साथ वाला जो अमाउंट है वो सेलेक्ट करना है और क्लिक टू पे पर क्लिक करना है। पेमेंट प्रोसेस आपको पूरी करनी है यानी कि पेमेंट करना है और वापस फिर से ऑप्शन आएगा गो टू होम, यहाँ पर आपको जाना है, फिर से अभी जो मैंने बताया वहीं पर आप जाओगे तो ये कोर्स ओपन हो जाएगा। भारत का सबसे बेहतरीन और सबसे अनुभवी, सबसे अधिक सटीक जानकारी छात्र हित में सबसे सस्ता, सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा का हम वादा आपसे करते हैं। दोस्तों अगर आप
उत्तराखंड ड्राइवर ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करते हैं तो इसमें जो हमारी बुक्स है या जो हम ऑनलाइन आपको कोर्स करवा रहे हैं इसमें हम कौन कौन से टॉपिक आपको करवाने वाले हैं, आपके जो सिलेबस है ड्राइविंग का उसमें क्या क्या टॉपिक आ सकते हैं, तो आप उन टॉपिक्स के बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कोई यहाँ पर ज़्यादा समस्या आपको नहीं आने वाली है अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो। तो दोस्तों आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर मैं आपको एक स्क्रीन पर कुछ दिखाने जा रहा हूँ, आप इसको वीडियो को पॉज करके आराम से रोक के आप इसे देख सकते हैं। अगर मैं पढ़ूंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा। इसमें जितने भी टॉपिक आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ये सारे के सारे टॉपिक में आपको इस कोर्स में करवाऊंगा और इन कोर्स में जो करवाऊंगा वीडियो इस हर टॉपिक पर आपको वीडियो मिलेगा, हर टॉपिक की आपको PDF मिलेगी और हर टॉपिक को आपका टेस्ट देने को मिलेगा। तो आप इस प्रकार से अच्छी तैयारी है वो कर सकते हैं। आपके सामने जो एग्जाम अभी आया है दोस्तों इस प्रकार का अवसर आपको बार बार नहीं मिलता। अगर जो ये रियर केस में आपको जो ये मौका मिला है तो क्यों ना इसमें एक छोटा सा अमाउंट पे करके हम एक अच्छी तैयारी करें और अच्छी तैयारी करेंगे तो इसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। दोस्तों ये सारे के सारे टॉपिक है आप ये इनको पढ़ते आप बता सकते हैं कि भाई यहाँ सारे जो टॉपिक है ये मोटर वाहन अधिनियम 1988, 1989, 2017, 2019 जो उत्तराखंड का जो नियम 2011 के हैं उनमें ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो बताई गई है। तो ये 50 टॉपिक तो आगे आपके ड्राइविंग यानी कि ड्राइविंग स्किल के यानी कि वाहन या चालक से संबंधित या रोड से संबंधित जो टॉपिक होते हैं। अब मेंटेनेंस से संबंधित भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यहाँ पर भी हम आपको अच्छी तैयारी करवाने वाले हैं। ये जो टॉपिक आपको दिख रहे हैं यहाँ पर एकदम सरल भाषा में एक ऐसी भाषा का हम प्रयोग करते हैं जो कि आप सुनकर और पढ़कर आसानी से इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। इन पर जो बुक्स PDF है वो भी आपको इसमें आपके साथ मिल जाएगी तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और दोस्तों आपकी पूरी सहायता वो की जाएगी। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। दोस्तों मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि अच्छी तैयारी अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। आपको ये देखना है कि आपका जो लक्ष्य है उत्तराखंड ड्राइवर की भर्ती, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जितनी मेहनत की आवश्यकता है क्या आप उतनी मेहनत कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको सोच विचार कर इस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए दोस्तों उतनी मेहनत कर देना, प्रारंभ कर देना चाहिए। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।